आगे बढ़ती जा रही हैं सो so, आप लोगों की शादी पे आ, कितना खर्चा हुआ था मतलब मेरी और यासर की शादी पे, मैं हुई तो हुई मैंने कहा मॉर्निंग शो की पूछ रहे नहीं, हैं। नहीं, नहीं, <laughs> नहीं, नहीं। <laughs> मुझे याद है अच्छे से कि क्योंकि मैं पहली बेटी थी घर की आ, तो चारों चीजें अम्मी अब्बू और उन्होंने सबने यही बताया था 22 साल पहले हमारी शादी हुई थी तो माइयो मेहंदी मिलाद में ही माइयो में ही मिलाद था और वलीमा तो यासिर ने किया था ना तो वो सारी चीजें तीन इवेंट्स जो थे वो दस लाख रुपए में निपट गए थे खाना गए थे। वेन्यू उस ज़माने बाईस साल पहले दस लाख रुपए हाँ, और मतलब, काफी ग्रैंड थी शादी आई वो हाँ, हाँ, मुझे याद है exactly. और आपकी शादी में आने का मुझे बहुत फायदा हुआ था मुझे तीन चार प्लेस मिल गए सबसे ज्यादा तो मेरी जब्बार का ड्रामा मिल गया था exactly, exactly. So, ये बड़ा फायदा हुआ था मुझे आपकी शादी में हाँ. आने का और ऑब्वियसली uh, uh, कितने साल हो गए मॉर्निंग uh, शो को मॉर्निंग शो को पंद्रह साल हो गए साढ़े पंद्रह साल साढ़े पंद्रह एक ही चैनल एक ही स्टूडियो <laughs> स्विच भी नहीं किया कहीं ऑफिस तो बहुत ऑफिस तो आई लेकिन पता नहीं क्यों बड़े सिंसियर वाक्य हूँ यूँ मैं हाँ, हाँ, नहीं, लेकिन ख्याल भी, 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 भी करते हैं फिर एडजस्ट भी हो गई हूँ मतलब लाइक कितने दिन हो गए कितने महीने हो गए मेरी बातचीत बॉसेस से हुई ही नहीं है उनको मीटिंग्स और आ, ये सही करो वो सही करो वो उसके बाद उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ थोड़ा सो हम थोड़ा रिलेक्स पंद्रह साल बच्चे भी हैं वर्किंग मदर के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं ये स्कूल की जॉब की तरह है ना मैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं टीचिंग की जॉब करती हूँ वाली टाइमिंग है, है। सुबह उठना है बच्चे स्कूल गए हैं मैं अपने शो पे गई हूँ बच्चे घर आने वाले हैं उससे पहले है। मैं नहीं मियाँ <laughs> जब काम कर रहा होता तो वही तो तो निकल जाते। हो जाते। हो जाता लेकिन ये है ना डायरेक्शन और एक्टिंग में ये है कि आपके पास कभी आप कर रहे हैं काम वो रूटीन वाली जॉब नहीं मेरी तो रूटीन वाली है तो वो बच्चों के साथ इसी तरह पता भी नहीं चला इसलिए